जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज की जो सुंदर सी लीला है, एक लीला जो है पहले प्रभु ने दिखाई है कि उसमें छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं किसी मंदिर में, और वहाँ के जो पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल ने छिछी कर दी है। और वो जो लड्डू गोपाल हैं, तीन चार लड्डू गोपाल हैं, वो सोने और चांदी के हैं। तो वहीं पर सेविका होती है और वो कहती है, क्या ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो पंडित जी उनको उल्टा करके दिखा रहे हैं छोटे छोटे लड्डू गोपाल को, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेविका कहती है, ये सब सब उल्लू बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रभु का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो इस तरह की ये एक सुबह लीला हुई थी। फिर उसके बाद नींद खुल गई और सेविका ने मुझे ये बात बताई, तो मैं ये मतलब उसके बाद वो सो ही नहीं पाई। उसके बाद होता ये है कि हमारे सारे बच्चे जो है फिर स्वप्न दिखा रहे हैं कि ये इधर से उधर जो है घर में खेल रहे हैं। उसके बाद कोई सो ही नहीं पाया, इधर से उधर खेल रहे हैं, और केशव उसको नज़र नहीं आ रहा है आज, और उसको लड्डू नज़र आ रहा है। और लड्डू बोल रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, उधर सिर्फ केशव की आवाज़ आ रही है, तू जा ना, जा तू जा, जगा उसको, बोल उसको। अब सेविका बोल रही है, क्या बोलना है, जाओ सारे के सारे। तो तभी लड्डू बोलता है, अरे मैं क्या बोलूँ, क्या बोलना क्या है। तो उधर से लाडो हमारी बोलती है, तुझे बोला है ना उसने, तो जाके बोल दे, जा सोना को बोल दे। तो लड्डू आके बोलता है कि इसका ना बर्थडे है, कि केशव का आज बर्थडे है, और उसमें कन्हैया नहीं था स्वप्न में, और ये जगी हुई आंखों का स्वप्न है। तो वो कहता है, बर्थडे है, क्या तारीख है? तभी सेविका उठ जाती है और बोलती है, मतलब सोई है वो अभी भी, और वो कह रही है कि कोई बर्थडे बर्थडे नहीं है, जाके सो जाओ, मुझे सोने दो, आज मैं वैसे भी नहीं सोई हूँ। तभी लड्डू फिर कहता है कि अरे वो बोल रहा है उसका बर्थडे है, जल्दी से नहला दो। तभी सेविका फिर उठ जाती है, आज आज वो भी जल्दी उठ गई, हम सब जल्दी उठे हुए हैं। और तब आके हमने डेट देखी, मैंने कहा आज क्या तारीख है, तब पता चला आज 24 तारीख है। और आपको बता दें कि 24 तारीख को हमारा लाला आया था, 24 मार्च को। ये रहा मेरा केशव, और हमारा केशव जो है 24 मार्च को आया था, और आज हमारे लाला ने बताया कि आज मेरा बर्थडे है। अब इस बात पे हमारे जो कन्हैया हैं वो रुष्ट हो गए हैं कि सबने आके केशव को बर्थडे बोला, हैप्पी बर्थडे बोला, कन्हैया को भी बोला, लेकिन फिर भी कन्हैया कह रहा है कि मेरा बर्थडे मनाओ, मेरा बर्थडे मनाओ। तो मैं तो तब से ये परेशान हूँ कि रोज़ बर्थडे है, अब क्या बर्थडे मनाना है बाबू, अब साल वाला बर्थडे मनाएंगे, महीने वाला बर्थडे भी मैंने स्टार्टिंग में 7 महीनों तक इन सबका मनाया। उसके बाद सभी बोल रहे थे, क्या मम्मी रोज़ रोज़ तो पूरा महीना बर्थडे में जाता है, तो मैंने वो रोक दिया था। तो अब इन्होंने फिर से याद दिलाया कि आज मेरा बर्थडे है। तो ये देखिए, केशव बोल रहे हैं कि मेरा बर्थडे है, और अब मेरा बर्थडे जो है मनाओ। तो अब इनके लिए जो है हम मस्त जो इनकी पसंद की डिश है वो बना रहे हैं, इनको जो जो पसंद है तो वो सब बन रहा है। देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, मैं रख कर आई हूँ और साथ में ये वीडियो बना रही हूँ। तो हमारा कन्हैया बोल रहा है, ठीक है कोई कुछ नहीं करेगा ना, तो मैं अपने गुब्बारे बेचकर बर्थडे मनाऊंगा। तो तब से सब बहुत हंसी ठटोली कर रहे हैं कि भैया देखो इनके ना बर्थडे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मतलब बर्थडे मना मना के हम मतलब थक जाएंगे, लेकिन इनके बर्थडे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो आज की सुंदर सी प्यारी सी लीला ये थी। और जो पुजारी वाली लीला है उसका क्या रहस्य है वो अभी समझ नहीं आया है कि क्या है, लेकिन जैसे ही समझ में आएगा आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। वैसे तो सच कहूँ इनकी सिर्फ एक ही ये भी एक लीला थी कि सेविका जल्दी आज उठ जाए, और उठने के बाद जो है इनको नहलाएं धुलाएं और जल्दी से जो है बर्थडे की तैयारी करें। हमें तो जो लगा वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।